आपसे भी पढ़ तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी बात तो आपको याद भी नहीं होता है। अगर याद मुश्किल से हो भी जाता है तो भी दोबारा आपको याद नहीं होता। थोड़ा भैया तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट भी इनडेफिनेट, डेफिनेट, परफेक्ट कंटिन्यूस वगैरह होता है। इसकी ये वर्ब लगी, इसमें ये फर्स्ट फॉर्म लगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी, इसमें ये लगा, वो लगेगा। आपको वहाँ पर तो सब कुछ समझ में आ जाता है, याद भी रह जाता है, लेकिन सिर्फ जब आप घर आते हो तो घर आने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ सुझनी पड़ती भैया क्या सिखाया था क्या नहीं सिखाया था। तो आज के समय आप सभी को लिए ये बताने वाला हूँ कि भैया उस चीज़ को कैसे याद करें कि भैया जो चीज़ हमें याद नहीं होती है, या फिर पढ़ी हुई चीज़ को हमेशा के लिए याद कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइज, मैं हूँ आप सभी का मित्र रूपेश पांच, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पढ़े हुई चीज़ को हमेशा के लिए याद कैसे करें, या फिर जल्दी याद कैसे करें। गाइज, आप सभी को बहुत सारी दिक्कत होंगी कि भैया आप सभी पढ़ तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी बात तो आपको याद भी नहीं होता है। अगर याद मुश्किल से हो भी जाता है तो भी दोबारा आपको याद नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाकर के आपको टीचर पढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको टेंस पढ़ाया, टेंस पढ़ाया भैया तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट भी इनडेफिनेट, डेफिनेट, परफेक्ट कंटिन्यूस वगैरह होता है। इसकी ये वर्ब लगी, इसमें ये फर्स्ट फॉर्म लगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी, इसमें ये लगा, वो लगेगा। आपको वहाँ पर तो सब कुछ समझ में आ जाता है, याद भी रह जाता है, लेकिन सिर्फ जब आप घर आते हो तो घर आने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ सुझनी पड़ती है भैया क्या सिखाया था क्या नहीं सिखाया था। तो आज के समय में आप सभी को लिए ये बताने वाला हूँ कि भैया उस चीज़ को कैसे याद करें कि भैया जो चीज़ हमें याद नहीं होती है, या फिर पढ़ी हुई चीज़ को हमेशा के लिए याद कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप सभी क्या करते हो, जो भी चीज़ पढ़ते हो आप, तो उसको क्या होता है ना, आप जब पढ़ लिए हो, ठीक है ना, पढ़ने के बाद आपके लिए आपके साथ होता क्या है ना, आपके साथ होता ये है कि आप जिस चीज़ को पढ़ लिए हो, आप जिस चीज़ को पढ़ लिए हो, उसके बाद क्या होता है ना, वो चीज़ आप जब दूसरी बार उसका रिविज़न करते हो तो आपका माइंड ये सोचता है भैया ये चीज़ तो हमने पढ़ ली है, इसलिए आपके माइंड में सारी चीज़ें आ जाती है उसके बारे में, फिर आप उसको पढ़ते नहीं हो और उस पर ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करते हो, इन्वेस्ट नहीं करते हो। यही कारण है कि आप उस चीज़ को जल्दी भूल जाते हो। आपको ये नहीं सोचना आपको वो चीज़ याद है या नहीं, रिविज़न करते समय आपको प्रत्येक चीज़ को उतना ही टाइम देना है जितना आप उन चीज़ों को देते हो कि जो याद नहीं है, यानी कि जो चीज़ याद है उसको भी रिविज़न करते वक्त वही समझे कि भैया याद नहीं है, उसके बाद उतना ही टाइम दे जितना कि याद करने वालों को दे, तो आपका रिविज़न ज़्यादा रंग लाएगा, ज़्यादा आपको उत्तर देगा, ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ भी चीज़ें जो आपको पढ़नी है और पढ़ने के बाद उसको क्या करनी है, अपने मन से क्वेश्चन बनानी है। मन से क्वेश्चन बनाने के बाद आपको उनको ढूंढना है ताकि आपको उनको याद भी हो जाए, ठीक है ना, और अच्छे से। और देखिए, एक और याद करने का तरीका मैं आपको बता दूँ दूसरा, वो ये है कि उसको हाईलाइट कर ले, अलग अलग कलर से उसको मार्क कर ले कि भैया ये मोस्ट है, ये मोस्ट है, ताकि आपको जल्दी जल्दी आपकी जो माइंड है वो पिक्चर उसकी क्या कर लेगा, क्लिक कर लेगा, पिक्चर खींच लेगा, तस्वीर खींच लेगा, और वो जो आपके माइंड में सेव हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। और हाँ, जो भी चीज़ है डाउनलोड जल्दी नहीं होती है, आप उसको डाउनलोड कर लेते हो लेकिन फिर से वो एक समय ऐसा आ जाता है जो आपको मालूम नहीं पड़ता, डाउनलोड रुक जाता है, पॉज हो जाता है, तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ता है, उसको उसको फिर से चालू करना पड़ता है। तो चालू कैसे होगा, रिविज़न करने के बाद। तो रिविज़न इज़ द बेस्ट, और रिविज़न ज़रूर करें, रिविज़न सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इसलिए रिविज़न ज़रूर करें, और वो भी लिख लिख कर करें। और हाँ, जितना सके सुबह के टाइम ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि सुबह के टाइम की जो ना वातावरण जो है ना ज़्यादा शांत रहता है। अगर रात के समय वातावरण शांत है तो रात के समय कर लो, और ज़्यादातर हो सके तो घर के बाहर बैठ करके रिवीजन करें, या फिर घर के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो आपको रिवीजन अच्छा हो जाएगा। और जो चीज़ आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहती है उनको क्या करना, उनके बारे में आपको रिसर्च करना ज़्यादा ज़्यादा, और एक कॉपी में लिख लेना है, और उसके बाद आपको जो वर्ड उसमें से ना याद हो उसको आपको एक ड्राइंग शीट में लिख लेना है, कलर करना है, उसको कलर करने के बाद अच्छा चिपका देना है, और जब आप निकलोगे उस पर आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको वो याद हो जाएगा। तो ये तरीका इज़ द बेस्ट है और अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करें जो आपको याद नहीं होता है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए हम यहीं पर अलविदा लेते हैं आप सभी से। जय हिंद, जय भारत, और इस तरीके को जरूर आजमाएं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, एंड जरूर से जरूर शेयर करें अपने मित्रों के साथ। जय हिंद।